नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अंकारा में ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक के दौरान यूक्रेन के एक सांसद ने रूस के प्रतिनिधि को जोरदार गुस्सा मार दिया। दरअसल यहाँ बैठक के दौरान फोटो सेरेमनी चल रही थी। यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंडर मारिकोवस्की यूक्रेन का झंडा लेकर खड़े थे, तभी रूसी प्रतिनिधि ने उनके हाथ से झंडा छीनकर फेंक दिया और वहां से आगे बढ़ गई। यूक्रेन के सांसद मारिकोवस्की को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रूसी प्रतिनिधि का पीछा करते हुए उन्हें जोरदार गुस्सा मार देते हैं। हालांकि बाद में दोनों के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन मारिकोवस्की ने इस घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि रूसी प्रतिनिधि ये पंच डिजर्व करते थे। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस बैठक के दौरान काला सागर क्षेत्र के देशों के प्रतिनिधि आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक मुद्दों पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन 30 साल पहले यानी कि 1992 में स्थापित हुआ था। और साथ ही हम आपको बता दें कि मीटिंग से एक दिन पहले कुछ यूक्रेनी प्रतिनिधियों ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाथापाई भी की, जिन्होंने उन्हें हटाने की कोशिश की थी क्योंकि उन्हें रूस के प्रमुख प्रतिनिधि के बगल में चिल्लाते हुए और अपने झंडे पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने विधानसभा को संबोधित करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।